हेलो दोस्तों, वक्त भी बड़े कमाल की चीज है, गुजरता चला जाता है। अच्छा हो तो शुक्र करो, बुरा हो तो सब्र करो। एक राजा था, उसका बड़ा सुंदर महल था और महल में एक सुंदर सा बगीचा था। उस सुंदर बगीचे की देखभाल एक माली किया करता था। उस बगीचे में बहुत सारी अंगूर की बेल लगी हुई थी। बेल पे अंगूर आ चुके थे। माली जो था एक चिड़िया से बहुत परेशान था। एक चिड़िया रोज आती और उस जो अंगूर की बेल थी उस पे वो बैठ के पके हुए अंगूर खा लेती, जो खट्टे और खराब अंगूर थे उनको नीचे फर्श पे गिरा देती। माली ने कई दिनों तक प्रयास किया लेकिन उस चिड़िया को वहां से भगाने या पकड़ने में असफल रहा। वो राजा के पास गया और उन्होंने राजा से बोला कि मैं बहुत परेशान हूँ, आपकी अंगूर की बेलों को नहीं बचा पा रहा, एक चिड़िया है वो पूरी तरीके से उसको नष्ट कर रही है। राजा ने पहले और लोगों को भेजा, उन्हें भी सफलता नहीं मिली। राजा ने कहा आप परेशान मत हो, कल मैं आऊंगा। राजा सुबह से आया जब चिड़िया के आने का वक्त था और अंगूर की बेल की पेड़ जो बेल थी उसके पीछे छुप गया। जैसे ही चिड़िया आई और अंगूर को खाने लगी और तोड़ के गिराने लगी, राजा ने फुर्ती के साथ उस चिड़िया को पकड़ लिया। जैसे ही राजा ने उस चिड़िया को पकड़ा, राजा ने उससे कहा मैं आपको चार बातें बताऊंगी, आप मुझे मारो मत। तो राजा ने कहा हाँ हाँ जल्दी बोलो, क्या बात है? उसने कहा पहली बात, कभी भी अपने हाथ में आए हुए शत्रु को वापस ना जाने दो। राजा ने कहा जल्दी बोलो। दूसरी बात, उसने कहा कभी भी असंभव चीज पे विश्वास मत करो। तीसरी बात, राजा बोले ठीक है तुमने दो बता दी, जल्दी और बोलो। बोली तीसरी बात ये कि कभी भी अपने किए हुए पे आप पश्चाताप मत करो, जो हो गया सो हो गया। राजा और अब फिर उसने राजा से कहा चौथी बात बताओ। उसने राजा से कहा अरे मुझे बड़ी छटपटाहट लग रही है, आप मुझे थोड़ा सा ढीला कर दीजिए, मैं आपको चौथी बात बताती हूँ। राजा ने जैसे ही उसको ढीला किया वो फट से राजा के हाथ से फिसल के दूसरे पेड़ की डाल पर बैठ गई। राजा को बड़ा गुस्सा आया, गुस्सा करने लगा राजा। राजा ने कहा चलो अब जल्दी से तुम चौथी बात बोलो। उसने कहा देखो मैंने आपको तीन बातें, मेरे चौथी बात है कि मेरे पेट में दो हीरे हैं बड़े बड़े। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ और उसे बड़ा पश्चाताप होने लगा। चिड़िया ने कहा देखो मैंने आपको चार बातें बताई थी और आप वो चारों ही कर रहे हो। पहली मैंने कहा था हाथ में आए हुए शत्रु को कभी भी जाने मत दो और आपने मुझे जाने दिया। दूसरी चीज मैंने कही कि कभी भी असंभव पर विश्वास मत करो, आप इस पे विश्वास कर रहे हैं कि मेरे पेट में हीरे हैं जो कि संभव नहीं, मैं छोटी सी चिड़िया, मेरे पेट में हीरे कैसे हो सकते हैं। तीसरी चीज मैंने आपसे कही थी पश्चाताप मत करो किसी भी चीज का, जो हो गया सो हो गया, अब आप पश्चाताप क्यों कर रहे हैं, मैं तो आपके हाथों से निकल के उड़ गई। कहने की बात है ये चारों ही जीवन में हमारी जो चीजें हमारे साथ रहती हैं, अगर हम इन बातों पर अमल करें तो हम जीवन को बड़े आसानी से अच्छे ढंग से बिता सकते हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि कर जाओ कुछ ऐसा कि लोग करें आपके जैसा। फिर मिलेंगे एक नई सोच, एक नई सिद्धत के साथ कि हम जीवन में कुछ कर पाए। मैं नीलम, ओके बाय।